राहुल वैद्य वर्सेस रुबीना दिलैक, क्या हो रहा है, सोशल मीडिया क्या कर रहा है, क्या चीजें चल रही है, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गुरुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिए, बिग बॉस का अगर कंपटीशन देखा जाए तो राहुल वर्सेस रुबीना दिलैक तब से चलता आ रहा है जब से राहुल वैद्य ने एग्जिट करी, एग्जिट करके वो वापस आए, और जब उन्होंने वो ये डायलॉग मारा था, एक था राजा एक थी रानी, राजा आ गया वापस, अब करेगा खत्म कहानी, ठीक है। जिसके बाद में रेडियो जॉकी बनी थी रुबीना दिलैक, और रुबीना दिलैक का डायलॉग आया था, वन लाइनर आया था, एक था राजा एक थी रानी, जहां वापस आए हो वो रानी बन गई है वहां की महारानी, ठीक है। ये दोनों वन लाइनर्स थे। अब ये दोनों वन लाइनर्स में अगर आप देखे जाए तो तब से ही ये कॉम्पिटिशन जो है एक तगड़ा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर जाता चला गया। अब इसके बाद में जहां एक तरफ रुबीना वर्सेस जैस्मिन बनाना चाहते थे, वो हुआ नहीं, नहीं तो आज की डेट में आपको जैस्मिन जो है वो टॉप 5 में नजर आ रही होती है, और शायद से राहुल और राखी दोनों आउट होते, शायद से मैं कहती हूँ। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि कई लोग जो है वो यहाँ पर पोल्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वुड सेलेक्ट ने भी किया है, बहुत सारे पोर्टल्स भी कर रहे हैं। सो यहाँ पर इन पोल्स के रिजल्ट क्या चल रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया छाने तो यहाँ पर राहुल वर्सेस रुबीना में लोगों का सवाल ये है कि क्या रुबीना दिलैक जीतेंगे बिग बॉस सीजन 14? 80% यहाँ पर मैं बोलूंगी, हाँ 80% से भी ज्यादा, इनफैक्ट आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो 85% लोग जो है का ये मानना है कि हाँ रुबीना दिलैक ही जीतेगी, बाकी का 1% जो है वो ये कहता है कि राहुल वैद्य जीतेगा। देखिए, मैं अभी भी बोलूंगी किसी पे भी अंधविश्वास मत कीजिए, किसी भी पोल्स पर मत जाइए, आप अपने वोट करती रहे, निराश मत होइए, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को, कोई भी हो, निकी हो, राखी हो, एली हो, राहुल हो, रुबीना हो, कोई भी हो, वोट सबको कीजिए जिस जो भी आपका फेवरेट है, और इंतजार कीजिए 21 फरवरी का, जिसमें सिर्फ कम ही वक्त बचा है। सो यहाँ पर सिर्फ इंतजार कीजिए ताकि आपको मिलेगा वो विनर जो कि रियलिटी में सीजन 14 का विनर कहलाएगा। किसी के पोल्स पर, किसी के हामी पर, किसी के नामी पर कुछ मत जाइए, विश्वास कीजिए सिर्फ उस दिन पर जिस दिन हो जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या है कहना, क्या है आप लोगों की राय, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे बिग बॉस और बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।